हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग कम रेसिपी वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ कुछ अलग अलग दिनों पे लिए हुए क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको रेसिपी दूँगी चॉकलेट डोसे की और भुना हुआ मटन। ये दो रेसिपीज़ आपको इस व्लॉग में या फिर वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बाजू जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं हम, ये एक पार्टी हॉल है, बैंकेट हॉल, क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं इस वायरस के बाद जो फंक्शंस है वो चेंज हो चुके हैं। ज़्यादा वेस्ट गैदरिंग नहीं है और बड़े फंक्शन हॉल्स में फंक्शन सब अलाउड नहीं है। सिर्फ लिमिटेड लोगों की गैदरिंग, जैसे कि 50 है, 100 मेंबर्स है, उनकी गैदरिंग हो रही है। तो हम लोग भी गए थे एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये है एक निकाह सेरेमनी का फंक्शन, तो वहाँ हम जब अटेंड करने गए तो ये वहाँ के क्लिप्स है। तो आप देख सकते कि यहाँ पर हैदराबाद में जो हॉल्स रहते ये इस तरह से रहते। ये डाइनिंग सेक्शन है उधर का और ये सिटिंग एरिया है, स्टेजेस ये वगैरह इस तरह से बने हुए रहते। बहुत ही कम लिमिटेड लोगों के साथ एक अच्छे से गैदरिंग हो जाती इस तरह के हॉल्स में। और आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे हैदराबाद में जब शादी या फिर निकाह का फंक्शन होता तो सांचक के तौर पे क्या चीज़ें लेके जाते लड़के वाले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेस, जिसमें आपको ये जो है इसको बरी कहते हैं, तो इसमें आपको लगे दिखेगा ये मिश्री है और छालिया है, लौंग, इलायची और इस तरह की चीज़ें हैं, गरम मसाले का जो आइटम रहता ये ट्रे में दिखेगा। और ये है खजूर, ड्राई खजूर जो होते, ये सारी चीज़ें बरी के तौर पे लेके जाते, इसको बरी कहा जाता। तो ये सांचक है या फिर एंगेजमेंट है इस तरह के फंक्शंस में लड़के वाले लड़की वालों के लिए लेके जाते। और आपको दूसरी ट्रे में लगे दिखेगा साबित खोपरा, और ये ड्राई बादाम है, ये खोपरा है, बस शक्कर भी लेके जाते हैं और दूसरे अलग अलग वैरायटी के चीज़ें रहते, मिठाई है और फ्रूट्स है, इस तरह की चीज़ें लेके जाते। तो ये उसका डेकोरेशन है। ये पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है, इस तरह से ट्रेस को डिफरेंट वैरायटी के ट्रेस जो भी आपको रखना है उस तरह के वैरायटी के ट्रेस लेके आप इस तरह से अच्छे से पैक करके लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मिठाई है, ये मिठाई की ट्रे है डिफरेंट वैरायटी की। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर की थी कि वलीमा सेरेमनी यहाँ पर किस तरह से फंक्शन सेलिब्रेट होते, तो उसमें आप देख सकते थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर रख रही हूँ। तो उस वीडियो में मैं आपके साथ ये बात शेयर की थी कि रात के 11 बज रहे हैं लेकिन फिर भी फंक्शन हॉल्स खाली हैं, बहुत लेट फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत लेट एंड अप हो रहा है फंक्शंस का। लेकिन इस वायरस के बाद एक अच्छी चेंज जो है वो ये आई है कि यहाँ पे अब फंक्शंस जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि शाम के 6 बजे इस तरह से, और जो फंक्शंस है वो 10 बजे से पहले या 11 बजे से पहले सारे फंक्शंस ख़त्म हो जा रहे हैं, मतलब सेरेमनीज जो है वो सारे पैकअप हो जा रहा है सबका। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो चेंजेस आए वो ये एक पॉजिटिव चेंज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बच्चे तो हर जगह एंजॉयमेंट बच्चों के लिए रहता, तो यहाँ पे भी बच्चे एक साथ एक दूसरों के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा एंजॉय करते फंक्शंस को। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेक्स्ट डे नाश्ते का प्रिपरेशन चल रहा है। तो आज हमारे पास नाश्ते में बन रहे हैं डोसे, जिसके लिए ये आलू का मिक्सचर है, आलू की जो सब्ज़ी डोसे के लिए बनाई जाती वो, और साथ में है चटनी। ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको डोसे की वैरायटी का वीडियो मिलेगा जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर रख रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते। और साथ में सांभर की भी रेसिपी है, उसका भी लिंक साथ में दे दूँगी, वो भी आप अगर चाहे तो चेक कर सकते। तो ये डोसा आलू और
चटनी के साथ नाश्ता हो गया। अब शाम में एज अ स्नैक मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चॉकलेट डोसा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चॉकलेट डोसा बनाने के लिए थोड़ा सा आपको मिक्सचर लेना है, जो डोसे का बैटर है वो। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर, अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते। तो इस तरह से कोको पाउडर ऐड करके ये एक अच्छा सा बैटर बन गया। अब हम जिस तरह से नॉर्मल डोसा बनाते उसी तरह से इसका डोसा बनाना है। बना के इसके ऊपर आपको और इसको मज़ीद चॉकलेटी बनाने के लिए इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप डालिए, चॉकलेट ग्रेट करके डालिए, या फिर आप चॉकलेट मेल्ट करके मेल्टेड चॉकलेट डाल के स्प्रेड कर सकते। इस तरह से आप इसके ऊपर और इसको चॉकलेटी बना सकते। तो मैं यहाँ पे इस तरह से डोसा बना रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड की, क्योंकि बटर का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा रहता। पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तेल, जैसे कि हम डोसा बनाते जब थोड़ा सा ऑयल डालते, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद इसके ऊपर ऐड करूँगी बटर। बटर डालने के बाद चॉकलेट सिरप, आपके पास कौन से भी ब्रांड का हो वो चॉकलेट सिरप आप ऐड कर सकते। उसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट ग्रेट करके डालेंगे, अगर आपके पास ब्लॉक्स है तो आप उसको मेल्ट करके भी डाल सकते या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी डाल सकते। जितना ज़्यादा चॉकलेट आप प्रेफर करें उतना ज़्यादा आप चॉकलेट डाल सकते। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार चॉकलेट डोसा बन के रेडी होता, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ख़ास है, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट की हर वेराइटी पसंद आती। इसको आप बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये जो ऊपर आप चॉकलेट ग्रेट करके डाले वो सारा चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहे तो ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर कर सकते, कवर करके भी बना सकते इसको। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे चॉकलेटी डोसा जो है वो बिल्कुल बनके तैयार है। इसको इस तरह से रोल बना के इस तरह से कट करके भी सर्व कर सकते आप, या फिर ट्रायंगल्स में भी सर्व कर सकते। बाइट साइज़ के जो पीसेस रहते उस तरह से रोल करके उस तरह भी आप सर्व कर सकते। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको चॉकलेट डोसा कैसा लगा, और अगर आप बना रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू। तो
तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी अगली रेसिपी, जो कि है भुना हुआ मटन। मटन की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसके लिए देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मटन, जो कि है हाफ़ के जी। बोन्स के साथ ले सकते हैं आप, विदाउट बोन्स भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के अनियंस, 4 ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा हरा धनिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये तो बेसिक से मसाले हैं। इसमें जो भुना हुआ मसाला जाएगा वो ये है, जिसमें हम ले रहे हैं ज़ीरा, शाहज़ीरा, धनिया, बेलीफ, दालचीनी, लौंग और इलायची। ये सारे मसालों को हम भून लेंगे और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक प्रेशर कुकर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3-4 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी तब हम इसमें मटन डाल के मटन को भी अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर और भी रेसिपी वीडियोस हैं, जिसमें आपको मटन के रेसिपीज़ भी मिलेंगे, तला हुआ गोश्त दूसरे टाइप का जो रहता वो, और दूसरे सारे चिकन के भी वेराइटीज़, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट को प्ले करके देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अब इसमें ऐड कर दी सारे मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी और अदरक लहसुन। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा अच्छे जब ये भून जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ कप आप इसमें पानी ऐड करके इसको प्रेशर कुक करने के लिए रख देंगे। इसको देखिए तकरीबन 2-3 विजल के लिए आपको प्रेशर कुक करना है, जब तक कि ये जो मटन है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैं इसको अब पानी ऐड कर दी, अब इसका मैं जो प्रेशर का लिड है कुकर का वो लगा के रख दूँगी। जब तक ये गोश्त गल रहा है हम साइड में जो मसाले हैं उसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक नॉनस्टिक पैन। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई स्पाइसेस, गरम मसाला जो लिए थे वो, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। तब तक इसकी जो स्मेल है वो रिलीज़ हो जाना और इसके ऑयल्स जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाके एक अच्छी सी खुशबू आना जब स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसका एक अच्छे सा स्मूथ सा पाउडर बना के रख लेंगे, और ये पाउडर हम इसमें गोश्त में बाद में चल के ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो मसाला है, ये जो गरम मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, और दूसरी तरफ ये जो मटन है वो भी अच्छे से गल चुका है। प्रेशर कुकर ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हाफ कप दही। मैं दही जब आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाई थी, लेकिन इसमें हमको ऐड करना है हाफ कप दही। दही ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस जो मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक नॉनस्टिक पैन पे, ताकि जो पैन है वो पैन पे आप उसको अच्छे से भून सकते। अगर आप इस पे बनाएंगे तो ये नीचे बॉटम पे स्टिक होते जाएगा, जैसा ये ड्राई हो जाएगा तो ये स्टिक हो जाएगा, इसलिए इसको चिपकने से बचाने के लिए हम इसको नॉन स्टिक के पैन पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। जितना ज़्यादा भूनेंगे आप ये जो मटन है वो उतना अच्छा टेस्टी बनेगा। Thank you.
अब ये स्टेज पर हम इसमें ऐड करें ये ड्राई पाउडर जो हम ग्राइंड करके रखे थे, वो सारा पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे अच्छे से भुनने के लिए रखेंगे। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पका सकते, जब ये पानी अच्छे से सूख जाएगा तब इसको ज़्यादा देर तक भूनना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा हम मटन को भूनते गए तो इसका ऑयल भी साइड से रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया और ये जो ग्रेवी है वो बिल्कुल टाइट हो चुकी है। तो आप ये स्टेज पे आप इसकी कुकिंग स्टॉप कर दे सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो, या फिर आप उसको बिल्कुल भी ड्राई रखना चाह रहे हैं तो और ज़्यादा भून सकते हैं। आप जितना ज़्यादा भूनेंगे ये जो मटन है वो उतना ज़्यादा ड्राई पकेगा। तो मैं अब इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। इसके बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी भुना हुआ मटन बनके तैयार हुआ है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में या फिर किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।